यार वैशा, मुझे ना बहुत टेंशन सी हो रही है। टेंशन किस बात की? तुझे पता नहीं है क्या, हम लड़के हैं। वैसे भी जॉब तो मिल ही जानी है, इतनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है। सही बोली। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं क्या कंपनी में जॉब लेने? हो गया ना पीयूल के लिए? नहीं, मैडम, कैसी बात कर रहे हो आप लोग? तुम सेल्स के लिए तो नहीं आए हो ना? मैम, मैं सेल्स के लिए ही आया हूँ। फाइल दिखा दो जरा। मैम, मेरे मेरे डॉक्यूमेंट। रुक जा रुक जा। अरे ये तो फ्रेशर है, तुझे पता नहीं है क्या यहाँ फ्रेशर्स के इंटरव्यू नहीं चल रहे? फ्रेशर्स तो छोड़ो, इसकी लुक्स तो देखो, कैसी हालत में आया है ये इंटरव्यू देने। जा अच्छे से अपने लुक सुधार के आना, फिर इंटरव्यू देना, हमारी बराबरी करेगा ये। मैम, मैं जो काम करने आया हूँ ना वो करूंगा, आप लोगों को थोड़ी कुछ कह रहा हूँ मैं। नेक्स्ट। अरे इसको छोड़, चल हम चलते हैं। हेलो सर। हेलो, कैन आई नो व्हाई यू बोथ आर हियर? सर ये हमारा रिज्यूम है। शो मी। वर्षा नमिति, सो तो तुम लोगों ने हमारी कंपनी का नाम बाहर सुना ही होगा। लेट्स डू वन प्रैक्टिकल। ये मैकबुक है, यू बोथ हैव टू पिच मी लाइक दैट, आई विल परचेज इट। वर्षा स्टार्ट करो। सर हमारी पर्सनैलिटी बहुत है स्कोप फिल करने की। आखिर हम लड़कियां हैं, कैसे भी कस्टमर को कन्विंस कर लेंगे कि आप ये मैकबुक लीजिए, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं। दैट्स इट। तो क्या लुक्स से कस्टमर कन्विंस हो जाएगा? यस सर, लुक्स ना बहुत मैटर करते हैं। किसी चीज को तुम सेल करने जा रहे हो मार्केट में, तो सबसे पहले तुम्हारे लुक्स देखे जाएंगे, उसके बाद तुम उसे कैसे भी कन्विंस कर सकते हो। बिल्कुल। अरे इस तरीके से तो आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन खुद ही गिरा रहे हो। तो कैन आई नो आप दोनों के मायने में लुक्स क्या होते हैं? सर लुक्स मतलब महंगे कपड़े पहनना, ब्रांडेड बैग्स लेना, ब्रांडेड हील्स पहनना। यार ऐसे तो मेरे पास कोई बहुत महंगा फोन नहीं है ना मैंने महंगे कपड़े पहने हुए, तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं टैलेंटेड नहीं हूँ या मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। जो दिखता है वही बिकता है कहते हैं ना लोग, तो वही वाली बात होती है। और सर वैसे भी ये लैपटॉप तो मैं ही परचेज कर लूंगी, बजट में ही आ जाएगा। और वैसे भी इस कंपनी में जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा महंगे नहीं है। तो तुम लोगों को लगता है कि महंगे कपड़े पहन के और ब्रांडेड चीजें पहन के तुम लैपटॉप या हमारा कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाओगी तो लोग तुमसे खरीद लेंगे? नाइस नाइस थॉट। जैसे कि आप लोगों ने लिखा है आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, क्या आई नो कि सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग? एक्सपेक्टेशन तो बहुत ज्यादा है सर, अगर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 2 लाख। हाँ, जैसे कि आप लोगों का बस 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और आपकी एक्सपेक्टेशन 2 लाख, इट्स वेरी हाई। अच्छा वैसे हमारी कंपनी के टाइमिंग्स बहुत अर्ली है और ओवर टाइम भी होता है कई बारी, तो यू बोथ कैन मैनेज इट? सर देखिए मैं ना ओवर टाइम नहीं कर सकती क्योंकि मुझे बहुत सारे टाइमिंग्स 10 to 6। हाँ एक मिनट, क्या 10 to 6? बहुत ज़्यादा नहीं है, 10 to 4। ओके ज़्यादा है यार। ठीक है वर्षा एंड अमिति, एक लास्ट क्वेश्चन आप दोनों से, आप लोगों को ये जॉब क्यों चाहिए या मैं आप लोगों की जॉब क्यों दूँ? सर देखिए हम खाली थोड़ी ना बैठ सकते हैं घर पे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो यही सही। हमारे खर्चे ज्यादा है, जो हमारे पेरेंट्स हमें पॉकेट खर्च देते हैं उसमें हमारा होता नहीं है, तो इसलिए हमें जॉब चाहिए। और खर्चे में आप समझ सकते हैं ना सर, पार्टी क्लब फ्रेंड्स के साथ टूर पे जाना वगैरह वगैरह। सो आपका इंटरव्यू हो गया, आप दोनों बाहर वेट करो, ठीक है? I will let you know the result, okay? तो ये जॉब हम पक्का समझे सर? I will let you know. Bye bye. Thank you. Thank you. Next. Sir, may I come in? Can I sit here, sir? Sit, sit. Yes. Sir, मेरा ये resume है. Resume, show me. Rahul, हाँ? राहुल, लेट मी इन्फॉर्म यू, हमारी कंपनी ना अभी फ्रेशर्स को हायर नहीं कर रही है, सो जब हम हायरिंग स्टार्ट करें तब आप आ सकते हैं। सर आई नीड दिस जॉब सर, आई सर मैं बहुत अच्छा काम करूँगा सर, मैंने बहुत नाम सुना है सर आपकी कंपनी का। हाँ ओके 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 ठीक है। राहुल ये मैकबुक है,
यू हैव टू पिच मी लाइक दैट आई शुड परचेज इट। मैं खड़े हो जाऊं सर? जैसा करना करो राहुल। Superb, 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 Rahul, superb, हाँ। It was really nice speech. मतलब तुमने कहीं अब तक वर्क नहीं करा उसके बाद भी इतनी अच्छी स्पीच आपने दी, इट्स रियली नाइस। राहुल तो सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक तुम्हारी फर्स्ट जॉब है तो? सर मैं सैलरी कैसे डिसाइड कर सकता हूँ सर, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ ना, और वैसे भी सर मुझे आपकी कंपनी से ना बहुत कुछ सीखना है, मुझे बहुत आगे बढ़ना है सर, तो आप जैसा बोलोगे वो ठीक है। इट्स वेरी गुड यू आर पैशनेट अबाउट वर्क, ठीक है। एंड राहुल लेट मी इन्फॉर्म यू वन थिंग, हमारी कंपनी के टाइमिंग्स अर्ली हैं और कभी कभी ओवर टाइम भी होता है, अगर तुम जॉब ज्वाइन करते हो हम तुम्हें सिलेक्ट करते हैं तो आर यू कंफर्टेबल विद इट? हाँ सर मैं कंफर्टेबल हूँ, आप बोलोगे तो मैं ओवर टाइम भी कर लूँगा। बहुत बढ़िया। ओके राहुल वन लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें जॉब की रिक्वायरमेंट क्यों है या मैं तुम्हें जॉब क्यों दूँ? सर आप मेरे लिए आइडियल हो, और मैं ना मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जो करना है मुझे ही करना है अपनी फैमिली के लिए, तो बस इसलिए मुझे जॉब चाहिए सर। वेल डन, आई लाइक योर पैशन। ठीक है राहुल तुम बाहर वेट करो। ठीक है सर, थैंक यू। हे कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। यूजुअली मैं ऐसे किसी पास आता भी नहीं हूँ और ना ग्रेजुएट को हायर करते हैं, लेकिन दैट्स ओनली फॉर यू, हार्डवर्क करना। टाइम सर, थैंक यू सो मच सर। सर ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी लुक्स तो देखो, उसको पहनने का तरीका भी नहीं आता, और ये फ्रेशर भी तो है। हमारी कंपनी किसी को, ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज पैशनेट, लेट्स इनफ फॉर अस, और इनके थॉट्स हमारी कंपनी के लिए सही है, क्योंकि तुम लोगों के नहीं है। आप दोनों कहीं ट्राई करो। थैंक यू। पर कुछ नहीं, इट वाज गुड टाइम विद यू, थैंक यू। ओके हां जी। अरे मैडम आपका ना आईफोन आया है। अच्छा लाओ लाओ जल्दी लाओ। मैडम आप पैसे कैश दोगे या ऑनलाइन करोगे? मैं ऑनलाइन पे बिलीव नहीं करती, मैं पेमेंट कैश ही करूंगी। हाँ ठीक है मैडम मुझे कैश दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, मैं अंदर से पेमेंट लेके आती हूँ, इतने आप आ जाइए पानी पूनी पी लीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम, मैंने अभी पानी नीचे पिया है, तो आप जल्दी से कैश दे दीजिए ताकि मैं जा सकूं। अरे पानी पीने से कोई सेहत को नुकसान थोड़ी ना होगा, आप सारा दिन घूमते फिरते रहते हो, ऊपर नीचे चढ़ते रहते हो सीढ़ियों में, आपको पानी की प्यास लगेगी, आप पानी पी लीजिए। चलो ठीक है मैडम, अगर आप इतनी जिद कर रहे हो तो मैं पानी पी लेता हूँ। आप यहाँ बैठिए, मैं अंदर से आपके लिए पानी और कैश ले आती हूँ। ठीक है मैडम। मैं इसके पानी में बेहोशी की दवा मिला देती हूँ, फिर मैं इसका सारा पैसा निकाल लूंगी। ये लो भैया पानी। और ये लीजिए पैसे, गिन लेना पूरे हैं या नहीं है। अरे मैडम आपने क्या कम दिए पैसे, आपने पैसे पूरे दिए हुए। एक्चुअली मैडम मुझे ना एक पेन की जरूरत थी, मुझे ना कुछ एंट्री करनी थी, आप मुझे पेन ला के दे सकते हो? हाँ लेके आती हूँ। ये लो भैया पेन। थैंक यू मैडम। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं मैडम, तुमने कुछ पानी में मिलाया है क्या? सारा दिन काम करते हो भैया, चक्कर तो आएंगे ही। अरे वाह इतने सारे पैसे। अरे रुको मैडम, पैसे कहाँ लेके जा रही हो? तुम बेहोश नहीं हुए? मैडम बेहोश तो तब होगा ना जब तुम्हारा दिया हुआ पानी मैंने पिया होगा, वो पानी नहीं पिया मैंने। तुमने वो पानी पिया ही नहीं। वाह तुम्हें तो सब पता चल गया, पर उसके बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। मैं चाहूँ तो तुम्हें छेड़खानी के केस में अंदर करवा सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे घर पे अकेले हो और मैं भी। हाँ यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब जो करेगी पुलिस करेगी, वो अभी आती होगी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने तुम्हारे पैसे निकाले हैं?
अच्छा तो सुनो, मैं प्री प्लानिंग के साथ आया था और तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही पता था, क्योंकि तुमने ऐसे बहुत से लड़कों की जिंदगी खराब कर रखी है और उनमें से कुछ बच्चों ने तो सुसाइड कर रखा है, और उन सब की जिंदगी बर्बाद करने की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, और मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, अभी पुलिस आती ही होगी। बस ये ले, आ गई पुलिस। अब तेरा सारा खेल खत्म हो गया, बहुत लूट लिया लोगों को तूने, और अब इनको है ना प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको तुम्हारे बारे में पहले ही पता है। ले जाइए सर इसे, चलो